दर्शकों नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस खास कार्यक्रम चिकित्सा आपके द्वार में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर छेल बिहारी शर्मा के साथ मिलकर उदयपुर न्यूज ने आप लोगों के लिए इस विशेष कार्यक्रम को डिजाइन किया है और हमारा उद्देश्य है कि घर बैठे किस तरह प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से और किस तरह पर्यावरण के समीप जाते हुए हम गंभीर से गंभीर बीमारियों को बाय बाय कह दें और अपनी इन बीमारियों से घर बैठे हम प्राकृतिक चिकित्सा और योग के माध्यम से निजात भी पा लें। इसी वजह से इस कार्यक्रम को डिजाइन किया गया है और पिछले दो सेगमेंट जो आप लोग देख चुके हैं जिसमें हमने थायराइड जैसी गंभीर बीमारी और डायबिटीज जैसी बीमारी पर चर्चा की थी और उसके प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से किस तरह से इससे इलाज संभव है वह डॉक्टर साहब के माध्यम से हमने जाना था। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे एक उस बीमारी के बारे में जिससे अमूमन 80-85% जो लोग हैं वह उससे ग्रसित होते हैं। हम बात कर रहे हैं मोटापे की। मोटापे जैसी बीमारी से बहुत सारे लोग परेशान हैं। कई सारे लोग अलग अलग तरह के प्रयास करके और मोटापे से निजात पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन किस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से इसका इलाज संभव है वह डॉक्टर साहब से जानेंगे और दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सर, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार सर। सर सीधा टॉपिक पे आते हैं और दर्शकों को बताना चाहते हैं कि क्या होता है मोटापा बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण और किस वजह से ये मोटापे जैसी जो बीमारी है वो लोगों के शरीर में घर कर जाती है, बताएं। जोशी साहब, आपने सही बात कही। आजकल मोटापा एक आम बीमारी हो गया है, यानी बच्चों से लेकर के बूढ़े लोगों तक को मोटापा होता है जी, चाहे इसमें स्त्री हो पुरुष हो। मोटापे के हम लोग जितने भी आजकल कारण मानते हैं जी, उन कारणों में मुख्यतः तो जीवन शैली हमारी आती है, चाहे खाने की हो, चाहे पीने की हो, चाहे रहने की हो, चाहे जीने की हो। कभी कभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होने के बाद भी आदमी मोटा हो जाता है जी, उसको कहते हैं हार्मोन्स इम्बेलेंस होना। वो हम लोग कभी कभी ज्यादा सोच नहीं पाते जी, इसलिए हम लोग जो भी चीज लेते हैं, कितनी भी स्वास्थ्य के अनुकूल आदमी जीवन जीता है फिर भी मोटा हो जाता है जी, क्योंकि उसके हार्मोन्स में कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है। तो हार्मोन्स को जो परिवर्तन करने वाली चीजें, उनमें अगर हम थोड़ी सी बात करें तो जैसे शरीर में फैट का इकट्ठा होना होता है जी। फैट हमारा शरीर के अंदर, वैसे तो कई तरह के ट्राइग्लिसराइड से लेकर के हमारे कई तरह के फैट्स होते हैं, लेकिन हम लोग अभी जैसे घी को फैट्स मानते हैं, तेल को फैट्स मानते हैं। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के विटामिन पाए जाते हैं जी। एक तो होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, एक होता वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन दो तरह के होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं जैसे हम लोग विटामिन सी और विटामिन ई, ये फैट सोल्यूबल नहीं होकर के वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में मिलते हैं। तो जैसे B12 विटामिन है, पानी में जितना लिया उतना रुक गया, बाकी यूरिन के माध्यम से निकल गया। विटामिन सी है, जितना जरूरत थी उतना रुक गया, बाकी यूरिन के माध्यम से निकल गया जी। लेकिन विटामिन ए, ई, डी और के, ये चार तरह के जो विटामिन होते हैं, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं जी। इनकी क्या कहानी रहती है कि जैसे जैसे आदमी मोटा हो जाए होता है, ये उस मोटे आदमी के फैट में मिल जाते हैं जी। और मिलने के बाद में जब आदमी का यूटिलाइजेशन कैपेसिटी नहीं होती तो वो इकट्ठे होते रहते हैं, और ये इकट्ठे होते रहते हैं तो और चीजों को भी इकट्ठा करते रहते हैं जी। इसलिए मोटे आदमी को जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन है उनकी कमी भी होती है, और उन कमी के लिए वो बार बार पूर्ति करते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए हम लोगों ने आज जो विषय समझा है कि मोटापे को हम लेवे, तो इस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये मोटापे के हार्मोन्स का मुख्य कारण है और हमारी जीवन शैली का मुख्य कारण है, इन दोनों को अलग अलग सेगमेंटेशन पर अपन चर्चा करेंगे। सर, अमूमन ये किस उम्र में होता है, किस उम्र के जो लोग हैं उनमें मोटापा जकड़ने लगता है अपने शरीर को, लोग काफी परेशान भी रहते हैं मोटापे की वजह से? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोटापे की वजह से समाज में हीन भावना से लोगों को देखने लग जाते हैं। उदयपुर न्यूज भी अपील करता है, शरीर की किसी भी तरह की बीमारी अगर शरीर में आती है तो उस व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करें, उसको हीन भावना से नहीं देखें, क्योंकि कोई भी बीमारी आदमी जान करके नहीं लेकर आता। सर, किस उम्र के लोगों में अमूमन मोटापा हो जाता है? देखिए, उम्र की जैसे बात करते हैं, क्योंकि जैसे माता के गर्भ में जैसे बालक आता है जी, तो
वहां से ही हमारे बीज के प्रत्यारोपण के जो चीजें हैं जी, वो वहां से ही पैदा हो जाती है। अब वो माँ के गर्भ में उसको क्या क्या चीज मिलती है वो एक इम्पोर्टेंट होता है। आजकल हम लोग जैसे गर्भावस्था की जब बात करते हैं तो उनको वो चीजें नहीं मिल पाती नेचुरल, और अननेचुरल चीजों का ज्यादा प्रयोग करने लग जाती है, तो उससे भी बच्चे के अंदर जो हार्मोन्स पैदा होने चाहिए वो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उनका परिणाम ये होता है बच्चा बहुत सोके एकदम मोटा गोल मटोल बच्चा पैदा होता है। वो पैदा ही मोल गोल मटोल हुआ है, उसके बाद उसके हार्मोन्स में भी इम्बैलेंस होगा, उसकी रिच खाने पीने की दिनचर्या होगी, जैसे बहुत सी गर्भवती माँ हैं बिल्कुल बहुत ज्यादा खा लेती हैं, ऐसी चीजें भी खाती है जैसे चटपटी है या बच्चे के अनुकूल है या नहीं, लेकिन वो खाती रहती है जी। वो सोचती है मैं खूब खाऊंगी तो मेरा बच्चा भी अच्छा रहेगा और मेरे कमजोरी नहीं आएगी, लेकिन प्रकृति ने ईश्वर ने जो भी चीजें बनाई है उनका सम का लिमिटेशन बनाया है बिल्कुल, उनके हमारे स्वाद के अनुसार बनाया है, हमारी प्रकृति के अनुसार बनाया है, हमारी जैसे प्रकृति की जैसे मैंने बात की जैसे किसी की बातें किसी की पैतेज किसी की कफज, यानी तीन तरह की प्रकृति होती है, उसके आधार पर खान पीन बनाया है। फिर आदमी के काम के आधार पर खान पीन का निर्धारण होना चाहिए कि आप काम कैसा करते हैं। मजदूर आदमी है वो मेहनत का काम करता है जी, एक सेठ वाला है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जज हैं, ये बैठ करके काम करने वाले लोग हैं, बाबू हैं, इनकी खान पीन की अलग स्थिति बनती है। तो उम्र के हिसाब से, फिर मौसम के हिसाब से, फिर हमारे वर्क के हिसाब से और लिंग के हिसाब से, यानी पुरुष है कि स्त्री है, तो ये चार पांच फैक्टर काम करते हैं, उसके आधार पर हमारा खाना निर्धारित होता है, उसके आधार पर हमारा बॉडी के अंदर जो पावर है स्टेमिना है उसके आधार पर होता है। तो इसलिए जो मोटे आदमी होते हैं बहुत से लोग ऐसे वध से शुरू हो जाते हैं, उसके बाद में किसी के जैसे जवानी आती है यानी टीन एज आती है, उसके बाद उसके हार्मोन्स में परिवर्तन हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी है जो चर्चा करेंगे अपन जो हार्मोन्स को इम्बेलेंस करती है जी, जैसे पुरुष अगर रेगुलर पपीते का प्रयोग करता है तो उसके हार्मोन्स में इम्बेलेंस हो जाता है, महिलाएं अगर पपीता का रेगुलर प्रयोग करती है तो उनके हार्मोन्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं जी। तो ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं तो किसी की गर्भावस्था ठहरने का समस्या हो जाती है, यानी माँ बनने में समस्या हो जाती है, तो कभी इस तरह के विषय पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हार्मोन्स को इम्बेलेंस करने वाली चीजें घर में भी है, जैसे मैंने एक पपीता का उदाहरण दिया जी। तो उनका हम लोग अगर सिस्टम से, क्योंकि फलों में आता है जी, सिस्टम से अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग सफल हो पाएंगे। ये असिस्टम होना ही हमारे मोटापे का कारण होता है जी। दर्शकों आप लोगों को बता दें कि डॉक्टर छेल बिहारी शर्मा सर इस वक्त हमारे साथ हैं और देश विदेश में प्राकृतिक चिकित्सा और योग के माध्यम से गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मशहूर हैं और पहचाने जाते हैं। उदयपुर में डबोक एयरपोर्ट रोड पर कंचन सेवा संस्थान के नाम से आप सर का सेंटर चलता है, और यदि आपको भी किसी भी बीमारी के लिए प्राकृतिक चिकित्सा और योग की जानकारी लेनी हो तो स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर डॉक्टर सर से संपर्क कर सकते हैं और समय लेकर इनसे मिल सकते हैं। सर ये तो बात हो गई कि किस उम्र में लोगों को मोटापे जैसी बीमारी झकड़ने लगती है, और दूसरी इसके क्या मुख्य कारण है। तीसरी बात सर आपसे बात जानना चाहेंगे कि आखिर प्राकृतिक चिकित्सा जिसमें आप माहिर हैं और आप देश विदेश में अपने लेक्चर देते हैं, लोगों को समझाते हैं और आपकी काफी फैन फॉलोइंग्स हम लोग भी देखते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा और योग के माध्यम से इस मोटापे को किस तरह से कम किया जा सकता है, अंग्रेजी दवाइयों के पास हम ना जाएं और प्रकृति की ओर बढ़ें, इस बताएं सर। देखिए जी, हमारा शरीर में पांच जगह से शरीर मोटा होता है जी। सबसे पहले थाई से शरीर मोटा होता है जी, थाई यानी जांघों से, उसके बाद हिप से, उसके बाद पेट, उसके बाद ब्रेस्ट या चेस्ट वाला भाग, उसके बाद गला। तो मोटापे का निर्धारण जो हम लोग करते हैं, आपका मोटापा कहाँ से है, सबसे पहले चिकित्सा पद्धति में ये आना चाहिए जी। बहुत सी लेडीजें केवल थाई मोटी होती है या किसी के हिप्स ही बाहर आते हैं, बहुत से पुरुषों का कुछ बढ़ता नहीं है, केवल पेट बढ़ रहा है, किसी के ब्रेस्ट वाला भाग ही बढ़ रहा है, बाकी सब नॉर्मल है, किसी का गला वाला भाग ये फूल करके मोटा हो गया है जी। तो हमारा शरीर सबसे पहले पांच जगह से मोटा होता है, तो हमको ये निर्धारण करना है कि शरीर कहाँ से मोटा हो रहा है जी। फिर मोटापे को बैलेंस करने वाले पांच पटेल होते हैं जी, जिनको हम पैपे पैपे कहते हैं, यानी कि शरीर में मोटापा किस कारण से हो रहा है। ये तो हम लोगों ने आम चर्चा का विषय रख लिया जी, कि भाई मोटापा हमारा खान से होता है, पीन से होता है, रहन से होता है, इसको डिटेल में समझेंगे। तो पांच जगह से हम लोग जो मोटापा शरीर हो रहा है,
इसके पांच कारण होते हैं, पांच फैक्टर होते हैं, जिसको हम पांच पटेल कहते हैं। पे 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 यानी कि पेशाब, पैखाना, प्रश्वास, पसीना, पीरियड या पौरुष शक्ति। ये पांच फैक्टर एक बार पुनः सुने। पेशाब, पैखाना, पैखाना का मतलब सोच जाना, लेटरिन, टॉयलेट। तो पेशाब, पैखाना, प्रश्वास, श्वास लेना नहीं है, इंपॉर्टेंट है छोड़ना। जैसे आपने सीढ़ियां चढ़ी, चढ़ने के बाद में आपका श्वास फूल गया है, आप छोड़ कैसे रहे हैं? मुंह से छोड़ रहे हैं या नासिका से छोड़ रहे हैं? तो प्रश्वास। पसीना, बहुत से लोगों को रोटी खाते खाते पसीना आ रहा है जी, तो ये पसीना का बैलेंस है कि नहीं। और पीरियड, यानी कि महिलाओं का एक पीरियड का संबंधी बीमारी होती है, पुरुषों का पुरुष तत्व की बीमारी होती है जी। तो हमको इन पांच चीजों को देखना है कि पानी पिया है तो यूरिन आता है कि नहीं आता है, यानी कि शरीर में इन और आउट का बैलेंस को बैलेंस करना ही हमारा शरीर को, सिस्टम को ठीक करना है। अगर ये इन और आउट बराबर है तो शरीर स्लिम रहेगा, हमेशा एक जैसा रहेगा। इन बराबर चल रहा है लेकिन आउट कम हो गया है तो शरीर मोटा हो जाएगा, आउट को ज्यादा कर दिया तो शरीर बहुत पतला होने लग जाएगा। इन पांचों बैलेंस करने के लिए इन और आउटपुट को समझ लेते हैं। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, दिन में 3 लीटर पीते हैं या किसी को 4 लीटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, पीता नहीं है बहुत से लोग, तो 3 लीटर पानी का कितना हमारा यूरिन के माध्यम से निकल रहा है। यानी कि पानी अगर नहीं निकल रहा है तो पानी की वजह से मोटा हो रहा है शरीर जी। खाना खा रहे हैं और पैखाना नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली हमारा खाना हमको मोटा शरीर कर रहा है। हम श्वास ले रहे हैं और निकाल नहीं रहे, शरीर के अंदर टॉक्सिन इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा श्वास भी हमको तकलीफ दे रहा है। तो ऐसे हमारे शरीर के अंदर जी जो भी चीज ले रहे हैं, अब जैसे पीरियड्स की जब बात करेंगे हम लोग, तो पीरियड के फैक्टर में ऐसी चीज हम लोग लें जो महीने के महीने हमारा सर्कल ठीक रहे जी। अब पीरियड आता है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता कि जैसे पीरियड का देखने का भी तरीका होता है जी, कि पीरियड में बिल्कुल लाल कलर का रंग आ रहा है, यानी लाल ब्लड तो नहीं आ रहा है। अगर लाल ब्लड आ रहा है तो वो पीरियड नहीं है, वो इम्बैलेंस है, बीमारी है जी। तो पीरियड का जो रंग आना चाहिए वो डार्क आना चाहिए, स्पोर्टिंग आना चाहिए, अगर वो नहीं है तो भी हमारा शरीर मोटा होता जाता है जी। तो इन सब चीजों को हम बैलेंस कर लें। अब जैसे पुरुष आदमी है, पुरुष दिखता तो है लेकिन पुरुष तत्व धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, तो उससे भी शरीर को नेगेटिव फीडबैक आते हैं, शरीर मोटा हो जाता है। तो हमारा डेफिनेटली ये पांच चीजों पर आपका ध्यान जाना चाहिए। अभी हम लोग उन चीजों पर ध्यान नहीं दे करके अन्य अन्य चीजों पर चले जाते हैं, जैसे नींबू पानी पे चले जाते हैं या शहद पे चले जाते हैं या गर्म गर्म जी। बिल्कुल सर, बहुत से लोगों का मानना है कि भाई शहद से, नींबू पानी से और डाइटिंग से, भूखे रहने से, इन सब चीजों से मोटापा कम होता है। कई सारे लोग, मुझे लगता है जो दर्शक अभी देख रहे हैं, जो भी मोटापे से ग्रसित है, वे सब लोग भी इस तरह के प्रयोग करते होंगे, नींबू पानी लेते होंगे, शहद लेते होंगे, डाइटिंग करते होंगे, जिम जाते होंगे और भूखे रहते होंगे। सर क्या इनसे संभव है मोटापा कम करना? एक एक विषय को समझते हैं। जैसे भूखा रहना है, अब शरीर का हमारा एक कैलोरी ऊर्जा का रूपांतरण होना चाहिए, क्योंकि शरीर से विष पदार्थों को निकालने से ठीक होगा ना शरीर। अब भूखे रहने में विष तत्व तो निकालते नहीं है तो फिर कैसे शरीर पतला होगा? नहीं होगा। मैं बहुत लोगों को जानता हूं ऐसे को, जो बहुत भूखे रह करके शरीर खराब कर लिया, दिन में तारे देख लिए और फिर जब भूख का नंबर आता है बेचारे भूखे मरते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं, फिर एकदम से खाना शुरू करते हैं और डबल हो जाते हैं जी। तो भूखा रहना कोई सॉल्यूशन नहीं रहा। बहुत से लोग गर्म पानी पीते हैं, शहद डाल करके पीते हैं, उसमें नींबू डाल करके पीते हैं, तो ये भी मैं इसको ठीक फैक्टर नहीं मानता हूँ, क्योंकि उस फैक्टरों पर हमने काम नहीं किया जो हमारे मूलतः कारण थे जी। पेशाब का, पैखाने का, प्रश्वास का, पसीने का, पीरियड का, ये इन चीजों को बैलेंस नहीं करता है। जैसे सपोज करें महिलाओं को पीरियड संबंधी बीमारी है तो गर्म पानी का, शहद का इनका ज्यादा रोल नहीं होता है। मानसिक शांति के लिए हम लोग इसको मान लेते हैं क्योंकि ये आम चलन में है जी। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत एक्सरसाइज करेंगे तो हम शरीर को पतला कर सकेंगे, ये भी आपकी गलत धारणा है, क्योंकि आपने एक्सरसाइज किया, शरीर को थकाया, थकने के बाद फिर खाया और फिर एक्सरसाइज और योग में भी डिफरेंस है। योग करने के बाद शरीर में एनर्जी आती है और एक्सरसाइज करने के बाद शरीर से एनर्जी जाती है बिल्कुल। जब एनर्जी चली जाएगी तो आदमी एनर्जी लेने का प्रयास करेगा,
तो लेगा तो फिर वो एनर्जी को खर्च करा और उसने ज्यादा मात्रा में लेगा तो शरीर मोटा हो जाएगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो रेगुलर जिम करते हैं जी, जिम छोड़ने के बाद उनका शरीर डबल हो जाता है जी। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो खूब नींबू पानी पी करके शरीर के डाइजेशन सिस्टम को वीक कर लेते हैं, उसके बाद उनका शरीर का सिस्टम पाचन क्रिया के लिए भी थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो हमारा फैक्टर क्या कहता है, क्या क्या वास्तव में गर्म करने से ही शरीर पतला होगा? बहुत से लोग, मैं नेचुरोपैथी की भी बात करूं तो बहुत से लोग स्टीम बाथ का प्रयोग करते हैं जी। ये मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं है रेगुलर जी। कभी आपको लगता है कि भाप स्नान लेता है, सर्दी का मौसम है, एक तरह ताजगी का लेना है, तो आप 150 ले सकते हैं, लेकिन इससे शरीर पतला हो जाएगा, ये धारणा गलत है जी। इस बेस को हम लोग एक एक चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले 5 फैक्टरों की जब बात करते हैं जी, अगर आपका पेशाब का सिस्टम वीक है, जैसा आप पेशाब कर रहे हैं, यानी आपने पानी पिया और उस पेशाब के सिस्टम को आप देखिए, क्योंकि पेशाब का भी पैमाना होता है जी। हम लोग पेशाब से भी बॉडी का डायग्नोसिस कर लेते हैं, कभी विषय लगेगा ऐसा कि हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ है या अस्वस्थ है, बिना लैब के कैसे जाने जी। तो उसमें एक नंबर जैसे यूरिन का भी आता है, तो मैं मोटे आदमियों के लिए आज चर्चा कर लेते हैं, यूरिन आपका कैसा आता है। यूरिन को देखने के 5 तरीके हैं, वैसे तो बहुत तरीके हैं, लैब का भी एक तरीका है, लेकिन आप स्वयं अपनी जांच कैसे कर लें यूरिन के माध्यम से। तो सबसे पहले तो यूरिन का प्रेशर देखें, क्या आप यूरिन करते समय आपके यूरिन में प्रेशर है या नहीं। अगर प्रेशर नहीं है तो कभी गर्म पानी से यूरिन में प्रेशर नहीं आएगा। बहुत से लोग पानी पी लेते हैं, टंकी की टंकी पी लेते हैं, 4 लीटर पी लिया, 8 लीटर पी लिया, जग भर करके पी लिया, बिल्कुल कभी प्रेशर नहीं आएगा। यूरिन आएगा, धार मोटी हो सकती है, लेकिन फोर्स नहीं आएगा। फोर्स का मतलब आप और समझ लें कि जैसे नल आता है, टंकी नहीं भरता है, हौद में आता है और दिन भर आता रहता है जी। तो हमारा सिस्टम जब एनर्जी का रूपांतरण कम होता है तो यूरिन में फोर्स नहीं होगा। तो यूरिन का फोर्स बढ़ाने का क्रम करना चाहिए, पानी पीने से फोर्स नहीं बढ़ता। पहली बात। दूसरा, यूरिन का अगर फैक्टर्स में बात करते हैं तो उसमें स्मेल आती है। बहुत से लोग टॉयलेट जाकर के आते हैं तो बहुत स्मेल आती है जी। स्मेल का मतलब है हमारा शरीर के अंदर यूरिन का फैक्टर फिर वीक है, खराब है, कमजोर है, उसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए। तीसरा फैक्टर की जब बात करते हैं, कलर पिगमेंटेशन। बहुत से लोग जब यूरिन जाते हैं जी, इनमें सबका जो मैं यूरिन की बात कर रहा हूँ वो दिन भर के यूरिन की बात नहीं करके केवल सवेरे यूरिन की बात करता हूँ जी। रात को सोने के बाद जब उठते हैं सुबह, तो जो पहला यूरिन आता उसी से एनालिसिस करना। तो आप अगर सवेरे उठते यूरिन करने जाते हैं और येलो आता है, पीला आता है, लाल आता है, गंदेला आता है, तो समझ लीजिए कि हमारा यूरिन वाला सिस्टम बहुत कमजोर है, हमको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है जी। तो वाइट होना चाहिए यूरिन, उसके साथ अगर येलो आ रहा है, लाल कलर का आ रहा है या और तरह का आ रहा है, तो हमारा शरीर रात को साइलेंट नहीं सोता है, शरीर गर्म होता है। इसलिए हमको चिकित्सा की रिक्वायरमेंट है कि हमको शाम को क्या खाना है, सुबह क्या खाना, और कैसे हम इस यूरिन वाले सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद आता है कैसा आता है यूरिन जी। बहुत से लोगों को रुक रुक करके आता है, बहुत से लोगों को धार बदली हुई आती है, यानी बिखरा हुआ आता है। तो ये 5 तरह के यूरिन के सिस्टम है जो आदमी प्रतिदिन चेक कर सकता है, उसको किसी लैब में जाने की जरूरत नहीं है जी। ये तो अंधकार में जब जीता है कि मुझे पता नहीं साहब क्या तकलीफ है, बहुत से यूरिन को भी नहीं देख पाते हैं जी। तो उनके लिए फिर लैब का सिस्टम बनाया है, उसमें पीएच लेवल भी चेक कर लेते हैं जी। अभी और भी चीजें आती है, फिर उसमें कलर भी आ जाता है, किसी के यूरिन में ब्लड भी आता है तो उसको पता ही नहीं चलता, लेकिन आपको पता है जी। अगर यूरिन लाल आ रहा है तो ब्लड आ रहा है, येलो आ रहा है उसमें मटमैल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा इंडिकेशन है। तो इसलिए मोटे आदमी को हमेशा ये आकलन करके रखना चाहिए कि मेरा सिस्टम क्या कहता है जी। तो हम लोग इन एक्सरसाइजों के माध्यम से ही पतले नहीं हो सकते, सिस्टम कहाँ से भी के सबसे पहले हम उसको इंडिकेटेड करना चाहिए। ऐसे ही खाने का है, क्या आप खाना खा रहे हैं तो कितना खा रहे हैं। बहुत से मोटे आदमियों को आप देखिए, वो रेगुलर खाता ही रहता है, कभी ट्रेन में सफर करें तो आप पास में कोई मोटा आदमी बैठता है तो हर स्टेशन पर वो खाना चाहता है बिल्कुल। तो खाने के लिए भी उस आदमी को ऐसी चीज देनी चाहिए जो बहुत भारी हो, जैसे हम लोग तरबूज देते हैं, 2 किलो 5 किलो तरबूज खाएगा, पेट भी भर जाएगा और यूरिन भी खुल के आएगा जी। तो हम लोग कहते हैं कि तरबूज खाओगे तो ककड़ी हो जाओ, यानी कि वाटर सोल्यूबल वाली चीजें हम लोग उनको
आपको ज़्यादा दे देते हैं। अभी जब आपने बात की कि जिम कैसे करते हैं, गर्म पानी, नींबू पानी, तो इनका प्रयोग कम से कम आदमी को करना चाहिए, मोटे आदमी को। दूसरा जो प्रयोग की हम लोग जब बात करते हैं पतला होने के लिए जी, तो पांच जगह से शरीर मोटा हुआ, पांच उसके फैक्टर हैं, उसी में यूरिन है, सोच है, पैखाना है, जिनकी अपन ने चर्चा की। अब हम लोग एक एक चीज का अगर बात करते हैं, तो जिनकी जांगे मिलती हो चलते समय, थाइयां जी, उनको हम लोग एक्सरसाइज ज्यादा वॉकिंग वो मना करते हैं, क्योंकि जब चलते समय जांगे मिलती हैं, जांगों में रगड़ लगती है, तो स्पाइन का पीछे का भाग उनमें खिंचाव पैदा हो जाता है, तो उनको लंबे समय तक सीधे सोने में दिक्कत आती है और बाद में जाकर के लंबर रीजन में L4 L5 में तकलीफ हो जाती है जी। तो उनको हम लोग योग की परामर्श ज्यादा देते हैं कि आप योग करें, घूमें नहीं। यानी आपकी थाइयां नहीं मिल रही है, केवल हिप्स वाला पार्ट ही आपका बढ़ रहा है, तो उनके लिए हम लोग नेचुरोपैथी में गर्म ठंडा स्नान कराते हैं, उसकी फैट जम रहा है उसकी मालिश कर सकते हैं, उसमें घर्षण स्नान कर सकते हैं, और भी उसके कई फैक्टर्स में काम कर सकते हैं जो उसका हम लोग यूज कर सकते हैं जी। केवल किसी के ब्रेस्ट वाला भाग या केवल पेट वाला भाग बढ़ रहा है, तो पेट वाला भाग भी दो रीजन से बढ़ता है, यानी कि उसकी आंतें कम वर्क करती हैं, तो यूरिन का और मोशन का दोनों का फिल्ट्रेशन कम होता है। तो जिनका केवल पेट बढ़ता हो, तो उनके पेट पर मिट्टी की पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, और उसको ठीक करने के लिए दोनों पार्टों को, वन और टू पार्ट को, अगर केवल उसको ठीक करना है, तो मूली सबसे बेस्ट होती है। मूली, मूली का सब्जी भी यूज कर सकते हैं, मूली का रस भी यूज कर सकते हैं, मूली के पत्ते भी यूज कर सकते हैं। पराठे के लिए थोड़ा सा कि मैं प्रतिबंधित करूंगा कि वो चिकना ज्यादा नहीं जाए, बिल्कुल, तो उसको रेगुलर मूली की रोटी, अगर मूली को ऐसे घिस करके उसकी रोटी भी बना सकते हैं, तो वो अगर पेट बढ़ रहा है केवल, तो मूली का प्रयोग किया जा सकता है। केवल जब ब्रेस्टों की बात आती है, तो ऐसा नहीं है कि माँ बनने से पहले ही ब्रेस्ट बढ़े जी, या कभी कभी आप देखते होंगे पुरुषों के भी ब्रेस्ट का भाग बढ़ जाता है, तो ये हार्मोन्स इम्बेलेंस का एक फैक्टर होता है जी। तो पुरुषों के लिए हम हार्मोन्स का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें जैसे आपकी प्रकृति क्या कहती है, जैसे गर्म प्रकृति है, ठंडी प्रकृति है, कफ है, बात है, पित्त है, उसके आधार पर निर्धारित होता है, मतलब बॉडी के नेचर के, बॉडी के नेचर के अनुसार। तो जैसे किसी को शलजम का भी प्रयोग करा सकते हैं, किसी को शकरकंद का भी प्रयोग करा सकते हैं। अगर नेचुरल बाधिकरण की हम लोग बात करते हैं, तो अश्वगंधा है, कौंच है, शतावरी है, बिल्कुल, ऐसे बहुत सी चीजें आती हैं, सिंगाड़ा भी इसमें काम करता है, सौंठ भी काम करती है, तो इनका हम लोग प्रकृति के अनुसार यूज कर सकते हैं। केवल गला अगर बढ़ रहा है, तो थायराइड का हम लोग प्रॉब्लम मानते हैं जी, तो थायराइड को बैलेंस करने के लिए थोड़ा एक तो नमक को बैलेंस कर लें, साधारण नमक जिसको हम लोग सफेद नमक के नाम से जानते हैं उसको थोड़ा सा कम कर दें, और सेंधा नमक या काला नमक का यूज करें। और इस पार्ट को अगर बहुत ज्यादा फूल रहा है, तो इस पर डेली लपेट बांधे और बर्फ से सेक करें पूरे इस गले को, इसकी मालिश करें तेल से, जो भी आपके यहाँ तेल हो, सरसों का तेल का। और गर्दन की, जैसे पहले भी अपने एपिसोड में बात की थी, थायराइड के लिए तो चार तरह की जो एक्सरसाइज है, अप एंड डाउन जी, लेफ्ट एंड राइट और गोल गोल, इनको रेगुलर करें। और अगर केवल गले की संबंधित समस्या है, तो पैनक्रियाज को या हमारे रस रसायनों को एक्टिव रखने के लिए जी, पाइनएप्पल का हम लोग जूस का सेवन करते हैं, पाइनएप्पल का एक लिमिटेशन से यूज करते हैं, क्योंकि पाइनएप्पल छाले भी कर देता है जी, तो उसका हम लोग प्रयोग करें। तो मोटापे के लिए मोटी मोटी चीजें क्या है, कि एक तो मोटी चीजों का प्रयोग करें, यानी महीन और मैदा, इन दोनों चीजों को हटा दें। दूसरा, ज्यादा तली हुई चीजें और बार बार का खाना हमारे मोटापे को बढ़ाता है, इसलिए जब भी खाएं पेट भर के खाएं। और अन्न का पचने का आपको पहले भी निवेदन किया था, 4.5 घंटे लगते हैं पचने में जी, तो ऐसा क्रम बनाए कि पेट भर के खाया और 4.5 घंटे तक तो कुछ लेना ही नहीं है, केवल प्यास लगती है तो पानी का यूज करें, छाछ का यूज करें, बाकी और चीज नहीं लेनी, जैसे चाय भी हमारे डाइजेशन को खराब करती है, तो उसको बंद करें जी। एक दाना भी बिस्किट का या एक दाना भी, कोई जाते हैं तो नमकीन रखी है वो खा लिया, मूंगफली है वो खा लिया, वो सबको थोड़ा सा आप निषेध रखें। सुबह उठते हम 2 गिलास से ज्यादा पानी नहीं पिए, क्योंकि पानी 2 गिलास भी बहुत होता है जी। ऐसा नहीं है कि आप 4 गिलास 6 गिलास 8 गिलास पी करके सवेरे का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो टॉयलेट करने में निकाल दें, क्योंकि आपने इतना पानी पिया है वो बार बार यूरिन लाएगा, तो
धीरे धीरे रस रसायन उसके साथ निकल जाएंगे तो शरीर में कभी कभी कमजोरी आती है जी, उन लोगों की जांगे पतली होने लग जाती है जी। तो ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये पूरा शरीर में ऐसा पानी पानी डाल करके ही आप सिस्टम को ठीक सवेरे का इमोशन रखें। सूर्योदय से पहले अगर पानी पिया जाता है तो पेट साफ होता है, सूर्योदय के बाद पानी पिया जाता है तो पेट साफ कम होता है जी। और वो जब 4 गिलास या 6 गिलास 8 गिलास पानी डाल देता है तो बार बार यूरिन ही जाना रहता है। तो सुबह का समय आनंद लेने का, ईश्वर जब दवाइयां बांट रहा होता है, आरोग्यता बांट रहा होता है, तो वो बेचारा टॉयलेट में मस्त हो जाता है, तो उसको रोके। 2 गिलास से ज्यादा पानी मेरे हिसाब से नहीं पीना चाहिए जी, ये पर्याप्त होता है। सर, उदयपुर न्यूज के इस कार्यक्रम में आपका वक्त देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब के साथ मिलकर आज जिस तरह से हमने जाना कि मोटापे जैसी गंभीर बीमारी से घर रहकर और प्राकृतिक चिकित्साओं के माध्यम से किस तरह से निजात पाई जा सकती है, अगर आप लोगों के मन में भी किसी तरह के प्रश्न हैं तो निश्चित ही आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं और स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके समय ले सकते हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि डबोक एयरपोर्ट रोड पर कंचन सेवा संस्थान के नाम से सर आपको उपलब्ध होंगे, आपको मिलेंगे, आपको समय देंगे। निश्चित तौर पर आप नीचे दिए गए नंबर पर सर से संपर्क करें और अपने जो प्रश्न है वह सर से पूछ सकते हैं। इसमें एक निवेदन और करना चाहता हूँ, मोटापे आदमियों के लिए ज्यादा गर्म गर्म चीजों का प्रयोग भी शरीर को मोटा बनाता है, तो कभी ठंडी चीजों का प्रयोग करके यानी उल्टा ट्रीटमेंट करके भी देखें आपके हिसाब से जी। क्योंकि ऐसे ऐसे मरीज आते हैं जो 20 साल से गर्म पानी पी रहे हैं, ऐसे ऐसे मरीज आते हैं कि 20 साल से भाप स्नान का प्रयोग कर रहे हैं जी, 20 साल से एनिमा का प्रयोग कर रहे हैं, तो कभी कभी उल्टा करके भी देख लें कि हम लोग ठंडा ट्रीटमेंट भी कैसे करें। तो मेरा कई बार वीडियो चैनल पर भी मैं इसको डालता हूँ, सर्वांग मिट्टी लेप जो शरीर में खुशबू बनाता है जी, शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, तो ठंडे प्रयोग भी कर लें, लेकिन एक बार समझ के करें, आपके दिमाग के कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करके करेंगे जी। तो मैं समझता हूँ मोटापे से आपको बहुत जल्दी निजात मिल सकती है जी। बिल्कुल, सर का कहना है कि किसी बीमारी के होने के बाद उसका इलाज करना और उस बीमारी को खत्म करने का प्रयास करना, वो भी शल्य चिकित्सा और अंग्रेजी दवाइयों के माध्यम से, कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी साबित हो सकता है, या यूं कहें कि वह त्वरित आपको राहत देने के लिए इन चीजों को अपनाया जा सकता है, लेकिन वह बीमारी आपके शरीर में किस वजह से हो रही है उस वजह को खत्म कर दिया जाए तो शायद वह बीमारियां हमारे शरीर को छोड़ देगी। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे हार्ट संबंधी बीमारियों की, और यदि आपके पास भी कोई सवाल है, आप हार्ट संबंधी कोई सवाल डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, तो एक बार फिर बता देता हूं नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने जो सवाल हैं, अपने जो प्रश्न है हार्ट संबंधी बीमारी को लेकर, वह सर से पूछ सकते हैं। और अगले कार्यक्रम में हम हार्ट संबंधी बीमारियों पर चर्चा करने वाले हैं, आपके सवालों का इंतजार रहेगा। तब तक अभिषेक जोशी को डॉक्टर छेल बिहारी शर्मा जी के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। नमस्कार।